हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज लंग्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है वो देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इज अ पैसेज अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन इन द एयर पास फ्रॉम द एटमोसफेयर इन ऑर्डर टू रीच द लंग्स। देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक वो पैसेज है या वो रास्ता है जिससे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो हम एयर से लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं वो हमारे लंग्स तक रीच करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेम पाथ से हमारे लंग्स से आउटसाइड द एनवायरनमेंट पे निकलती है। अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कंप्राइज होती है यानी नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फैनिक्स, लैनिक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। नेसल कैविटी जो है वो लाइ करती है अबव द बकल कैविटी और सेपरेटेड होती है पार्टीशन से, जिसे हम पलेट कहते हैं। दिस इज द नेसल कैविटी, दिस इज द नोज, दीज आर द नोस्ट्रिल, दिस इज द एपिग्लॉटिस, दिस इज द एपिग्लॉटिस, दिस इज द लाइनेक्स, दिस इज द ट्रैकिया, दीज आर द ब्रोंकस, दीज आर द ब्रोंकियोल्स। वी विल स्टडी व्हाट आर ब्रोंकियोल्स एंड व्हाट आर ब्रोंकस। दीज आर द लंग्स एंड दिस इज द डायफ्राम। नॉस्ट्रिल एंड द नेसल कैविटी, द अनफिल्टर्ड एयर इज नॉट फिट टू एंटर आर लंग्स डायरेक्टली। कोई भी अनफिल्टर्ड एयर जो है वो हमारे लंग्स में डायरेक्टली एंटर नहीं होती है। डस्ट पार्टिकल्स, स्पोर्स, हार्मफुल बैक्टीरिया एक्स्ट्रा आर प्रेजेंट इन द एयर। डस्ट पार्टिकल्स, स्पोर्स, हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं एयर में, बट एज द एयर पास थ्रू द नॉस्ट्रिल इट इज मॉइस्टेंड बाई द स्लाइमी म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। जैसे ही जो एयर है वो पास थ्रू होती है हमारे नॉस्ट्रल से तो वो मॉइस्टन हो जाती है हमारे किसके थ्रू, स्लाइमी म्यूकस जो हमारे प्रेजेंट होता है नोज में। अब जो स्लाइमी म्यूकस है ये सीक्रेट होता है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ नोज से, और जो भी द एयर इज वॉर्म्ड बाई द ब्लड सर्कुलेटिंग इन द नोज। अब जो एयर है वो वॉर्म हो जाती है हमारी ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है नोज में उसकी वजह से। अब जो म्यूकस है और हेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे नोस्ट्रिल में वो ट्रैप करते हैं जितनी भी डर्ट होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको ट्रैप करते हैं, उनको पकड़ती है, और जो फिल्टर्ड यानी कि जो एयर जो फिल्टर और जो कूल एयर होती है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप जो ब्रीद है जब भी आप ब्रीद करें तो अपने माउथ के थ्रू ब्रीद ना करें, ब्रीदिंग हमेशा नोज से ही करें ताकि आपकी जो नोज है वो बहुत सारे इन्फेक्शंस को या डिसीज से भी आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। फाइनेक्स एंड लाइनेक्स, द नेसल कैविटी लीड्स टू द फाइनेक्स फ्रॉम वेयर द एयर पैसेज इनटू द रेक्टेंगुलर चैम्बर कॉल्ड लाइनेक्स। देखिए, नेसल कैविटी जो है वो लीड करती है लाइनेक्स में, और यहाँ से जो एयर है वो पास होती है एक रेक्टेंगुलर चैम्बर में जिसे हम लाइनेक्स कहते हैं। दिस इज द लाइनेक्स, यू कैन सी। अब द ओपनिंग ऑफ फाइनेक्स ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लॉटिस इन द लाइनेक्स इज गार्डेड बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिक्स। अब देखिए, जो ओपनिंग होती है फाइनेक्स की वो से हम ग्लॉटिस कहते हैं, जिसे हम ग्लॉटिस भी कहते हैं, इन टू द लाइनेक्स। ठीक है, अब ये किससे गार्डेड होती है, एपिग्लॉटिस से। ठीक है, और एपिग्लॉटिक्स थियोरिकली प्रिवेंट करता है हमारे कि हमारा जो फूड है वो एंटर ना कर जाए कभी विंड पाइप में। विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी कहते हैं, और वो क्लोज हो जाता है जब हम फूड को सॉलो करते हैं, अंदर लेते हैं, तो जो हमारा विंड पाइप है यानी कि जो ट्रैकिया है वो क्लोज हो जाता है, और ये सिर्फ ओपन कब रहता है, जब हम ब्रीथ करते हैं। लाइनेक्स जो है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है साउंड और सिट अटॉप द ट्रैकिया, और ये कहाँ रहता है, ट्रैकिया के ऊपर ही रहता है। नेक्स्ट इज ट्रैकिया और विंड पाइप। अब एयर जो है वो पास थ्रू होती है हमारे नेक से और एंटर करती है थ्रोइक कैविटी में, और ये डेलिकेट होती है, मस्कुलर ट्यूब होते हैं और अबाउट
12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2.5 डायमीटर में होती है, 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। देखिए ट्रैकिया जो है वो क्या है, एक डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब है जो कम से कम 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। अब जो ल्यूमन होता है ट्रैकिया का, वो सपोर्टेड होता है सी शेप्ड कार्टिलेज से। सपोज कीजिए दिस इज दी ट्रैकिया, अब यहाँ पर कुछ सी शेप्ड के कार्टिलेजस रिंग्स होते हैं जो तकरीबन 15 से 16 होते हैं नंबर में। अब ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये प्रिवेंट करते हैं ताकि जो हमारा ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। और जो थ्रोइक कैविटी होती है वो ट्रैकिया को डिवाइड करती है इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियाई, ठीक है। दिस इज द ट्रैकिया एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू। अब क्या है कि जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकियाई में, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई द टू लीड ब्रोंकाई टू द लंग्स ऑन द रिस्पेक्टिव साइड। अब जो ये दो ब्रोंकाई हैं ये कहाँ जा, ये क्या है, ये लंग से लंग की तरफ जो है वो एयर लेके जाती हैं। अब ईच ब्रोंकियस जो होता है, अब ये जो ब्रोंकाई है ये डिवाइडेड होते हैं फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स में, ठीक है, और जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। अभी देख सकते हैं आप डायग्राम में ब्रोंकियाई, और ब्रोंकियाई किस में डिवाइडेड है, छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में डिवाइडेड है। और ब्रोंकियोल्स जो है उसमें डिवाइडेड है, और हर एक ब्रोंकियोल के एंड में एक एयर सैक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एलवेओली। द ब्रोंकियाई हैज़ अ म्यूकस लाइनिंग। अब जो ब्रोंकियाई है उसके भी म्यूकस, जो ब्रोंकियाई है उसको भी म्यूकोकस लाइनिंग है। द कार्टिलेजियस रिंग्स कीप्स द एयर पैसेज ओपन ऑल द टाइम। अब जो कार्टिलेजियस रिंग है वो हमेशा एयर पैसेज को ओपन रखती है, और जितने भी डस्ट पार्टिकल अगर बाय चांस आ जाते हैं हमारे नॉस्ट्रल से तो वो कैच होते हैं इन द म्यूकस लाइनिंग और उसे वापस पुश बैक किया जाता है फाइनेक्स में, और फाइनली वो थ्रोन आउट किए जाते हैं वाया कव। ईच ब्रोंक्यूल ends in a tiny air sac called alveoli where exchange of gases take place. अब जितने भी bronchioles हैं वो end होते हैं tiny air sacs में, जहाँ पर जिसे हम कहते हैं alveoli, वहाँ पर जो exchange of gases है वो take place करती है। Next come to lungs. Lungs are two in number. Lungs जो होते हैं वो दो in number होते हैं। Lungs are elastic pink spongy and cone shaped structure. लंग्स कहते हैं, लंग्स इलास्टिक है, पिंक है, स्पॉन्जी, और उनका कैसा है, कोन शेप स्ट्रक्चर है जो किसके जो लाइक करते हैं थोरिक कैविटी में, और ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द फ्लेक्सिबल रिब केज और स्टर्नम से जो फ्रंट में होती है, और वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक एंड द डोम शेप मस्कुलर शीट एट द बॉटम जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। लंग्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं डबल वॉल मेम्ब्रेन से जिसे हम पिलेरिया कहते हैं, पिलोरा कहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स आर फाइन एंड विदाउट कार्टिलेजियस रिंग्स। जो एल्वियोलर डक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं और उनमें कोई भी कार्टिलेजियस रिंग्स नहीं होती है। हर डक्ट जो होती है वो टर्मिनेट करती है एक टाइनी एयर सैक में या चैम्बर में जिसे हम एल्वियोलस कहते हैं। एल्वियोलाई जो है वो बहुत ही थिन वस्कुलर वॉल है जो रिचली सप्लाई करती है ब्लड, थिन वस्कुलर वॉल है और आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, और रिचली सप्लाइड किए जाते हैं विद द ब्लड कैपिलरीज। और ईच लंग जो है वो कंटेन करता है अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई। व्हेन ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द लंग एंड रीच द एल्वियोलाई द एयर द ब्लड इन द कैपिलरीज टेक इन द ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए जब भी ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो एंटर करती है हमारे लंग्स में और वो रीच करती है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या है, एयर सैक है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड होता है कैपिलरीज में वो ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दे देता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट होता है ब्लड में जो
पास आउट होता है ब्लड से इन टू द एयर सैक, एयर सैक में वापस जाता है और एक्सचेंज जो ऑफ गैसेस जो है वो टेक प्लेस करता है किसमें, लंग्स में। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है एल्वोलाई का वो कहाँ है, लंग्स में ही है। तो बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किसमें हो रही है, लंग्स में ही हो रही है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, द एयर वी ब्रीद इट कंटेन्स 21 ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, वाइल द एयर वी ब्रीद आउट कंटेन्स 16.5% ऑक्सीजन एंड 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जब भी जो ब्रीदिंग है वो क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। जब भी हम कोई एयर ब्रीद करते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब हम एयर को ब्रीद आउट करते हैं तो 16.5% ऑक्सीजन हम ब्रीद आउट करते हैं और 0.3% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीदिंग मैकेनिज्म, अब हम बात करते हैं कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता कैसे है, यानी ब्रीदिंग करते कैसे हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज एडेड बाय रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थोरिक कैविटी। देखिए जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का वो किसकी वजह से होता है, रिदमिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन थोरिक कैविटी का। जो ब्रीदिंग है वो इन्वॉल्व करती है दो स्टेप, फर्स्ट इज इंस्पिरेशन दैट इज इनहेलेशन, यानी कि ब्रीदिंग इन, सेकेंड इज एक्सपिरेशन। फर्स्ट हम बात करते हैं इनहेलेशन की, ब्रीदिंग इन, इसका मतलब हम ब्रीद इन कर रहे हैं जो ऑक्सीजन है उसको ब्रीद इन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंट्री ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, जिसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और पुश करती है हमारे रिब्स को अपवर्ड, कैसे करती है, हमारे रिब्स को अपवर्ड पुश करती है, और जो हमारी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और आउटवर्ड होती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब हम एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं तो क्या हुआ, हमारी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और हमने अपनी जो रिब्स है उसको पुश किया अपवर्ड डायरेक्शन में और फॉरवर्ड में, पहले अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसे मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी होती है उसकी जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है और एटमोस्फेरिक एयर जो है वो उसमें रश करती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है एल्वोलाई में जो सराउंडेड होते हैं फाइन कैपिलरीज से, ये हमने भी पढ़ा है। अब हम बात करते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, इनहेलेशन, यानी कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कैसे जा रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, रिब जो है वो एक्सपैंड कर रही है और रिब मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आपने देखा, ये देखिए रिब मसल जो है वो ऊपर जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और जो है आउटवर्ड भी मूव हो रही है, और हमने जब एयर इनहेल की जो लंग्स और जो डायफ्राम है वो कैसा हुआ, डाउनवर्ड मूव किया, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी में जो वॉल्यूम है उसकी, जो चेस्ट कैविटी की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट इज एक्सपिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट दैट इज एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। देखिए जब भी हम वो प्रोसेस जिसमें हम ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को लंग्स से, ठीक है, उस प्रोसेस को हम एक्सपिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो मसल है वो रिलैक्स हो जाती है और रिब्स जो है वो वापस इनवर्ड मूव करती है और डिक्रीज होता है वॉल्यूम चेस्ट कैविटी का और एयर जो है वो वापस पुश आउट होती है थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब इसमें क्या हुआ, एज अ डायफ्राम इज मूव पुल डाउन द वॉल्यूम ऑफ अ कैविटी इंक्रीज, दिस कॉज द प्रेशर टू फॉल। देखिए क्या हुआ कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्राम जो है वो नीचे पुल डाउन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और जो प्रेशर होता है वो फॉल डाउन होता है और एयर जो है वो फटाफट से रश इन करती है और जो इक्वलाइज करती है प्रेशर को जो कॉज हुआ है और लंग्स जो है वो फूल जाते हैं। और जब डायफ्राम वापस पुश्ड अप होती है तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम होती है चेस्ट कैविटी की, वो डिक्रीज हो जाती है और प्रेशर जो है वो राइज अप हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो वापस रश आउट करती है लंग्स में और जिसकी वजह से जो लंग्स है वो डिफ्लेट, यानी कि वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। यू कैन सी वी आर एक्सहेलिंग एयर, हम एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, तो क्या हुआ, रिब केज जो है वो वापस स्मॉलर हो गई और रिब मसल्स जो है वो रिलैक्स हो गई और डायफ्राम जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गया और जो एयर है वो एक्सहेल हो गई।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।